मुझे पता है ये लड्डू देख के आपको भी ज़रूर इसे खाने का मन हो रहा होगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। बहुत ही इजी रेसिपी। हमें चाहिए बेसन 2 कप, चीनी 1.5 कप, इलायची 4 से 5 और घी 2 बड़े कप। तो सबसे पहले हमने ये घी पैन में गरम करने के लिए डाल दिया है। ये घी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हमने पूरा घी नहीं डाला है, 1 छोटा कप डाल दिया है। थोड़ा सा गरम होने के बाद हम इसमें 2 कप बेसन डाल देंगे। ध्यान रखें कि घी ज़्यादा गरम ना हो। अब धीरे से इसे मिक्स करेंगे। हमें घी थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से शुरुआत में ही पूरा घी नहीं डालना है। जब बेसन धीरे धीरे भून जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा घी उसमें डालते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुठलियाँ बनी है मैं उसे पूरा प्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये लड्डू बनाने में लड्डू हमारे बहुत ही स्मूथ बनेंगे। तो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, लगभग मैंने 1/2 कप यहाँ पे घी डाल दिया है। और यहाँ इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये सारे जो लम्प्स दिख रहे हैं बेसन के, वो तो हमें पूरा प्लेन कर देना है। इसको अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। गैस यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे रखी है, मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको एक भी लंप हमें नहीं छोड़ना है, इसमें पूरा स्मूथ मिक्सचर होने तक हमें इसे मिक्स करते रहना है, ताकि हमें बेसन अच्छे से भून लेना है घी में और लगातार हिलाते रहना है चम्मच को, क्योंकि नीचे ये लग सकता है। आप लोग देख सकते हैं ये मिक्सचर धीरे धीरे फ्लफी होते जा रहा है, और ये इसका साइन है कि आपका बेसन अच्छे से भून रहा है। और हमें इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे ही भून लेना है अच्छे से, ताकि बेसन और घी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका स्वाद लड्डू में आ जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ये धीरे धीरे अपना कलर डार्क होता जा रहा है इसका, ये पूरा गोल्डन ब्राउन कलर की तरह दिख रहा है। एक प्लेट में निकाल लिया है और हमें इसे पूरा अच्छे से ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा भी गर्म ये नहीं रहना चाहिए, ताकि चीनी फिर मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा ठंडा हो चुका है, तो हम यहाँ पे 1.5 कप जो मैंने चीनी ली थी ये यहाँ पे मिक्स कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन ये 1.5 कप जो मैंने ली है वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। हाथ से किया तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इलायची इसमें डाल रही हूँ, इलायची से लड्डू में बहुत अच्छे से स्वाद आता है। ये बेसन और चीनी हमें पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसका एक आटे जैसा डो बनेगा, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। आपको ये चीनी इस बेसन में मिक्स कर देनी है। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा रोटी जैसा डो इसका बना दिया है। ये बिल्कुल खोए की तरह दिख रहा है अभी, और हम अभी इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो छोटा सा डो इसमें से लेके हम हाथ में ऐसे इसको राउंड करके घुमाएंगे। लड्डू बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये डो जो है, ये बेसन का जो मिक्सचर है,
ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसमें कुछ भी आप जैसे राउंड बनाते हो ये इजी से बन जाएगा। ऐसे हाथ में घुमाने से उसको एकदम राउंड शेप आता है। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा। आप जब बूंदी के लड्डू भी बनाते हो तो भी ऐसे ही बनाना हाथ में। परफेक्ट लड्डू हमारा बन गया है। देखिए हम दूसरा भी बना लेते हैं। थोड़ा सा हाथ में ऐसे मसल कर, हाथ में घी भी लगाने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा घी यूज किया है। धीरे धीरे बनाएंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बन गया है। तो देखिए लड्डू बनकर तैयार है, और आप लोग देख सकते हो कलर भी बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा।